हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी चिचिंडे की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो इसे बहुत जगह में, जैसे यूपी साइड में चिचिंडा बोला जाता है और हमारे बिहार में इसको कैंता बोलते हैं। आप इसे क्या बोलते हैं तो आप समझ जाइएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ताज़ा कैंता ली हूँ दो, और इसी का मैं रेसिपी आज बनाने वाली हूँ थोड़ा अलग तरीके से। तो सबसे पहले इसे, इसके ऊपर जो पतला सा स्किन होता है उसे चाकू से इस तरीके से छील लेना है। बहुत ज़्यादा इसे मोटा मोटा छिलका मत निकालिएगा, जब आप इसे छीलिएगा ना इस तरीके से तो अच्छे से ये छिल के तैयार हो जाता है। तो सारे चिचिंडे को पहले छील लेना है, और छीलने के बाद इसे पानी से अच्छे से धो के साफ़ कर लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो झटपट से हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बगल में जो छोटा सा घंटी है उसे भी एक बार क्लिक ज़रूर कीजिए। हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगा, और पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। तो चिचिंडे को अच्छे से छील ली हूँ फ्रेंड्स, और इसका आगे पीछे का जो साइड होता है उसे हटा देना है। अब इसे पानी से पहले धो लेना है, इसके ऊपर जो छिलका लगा है वो सब अच्छे से क्लीन हो जाए। तो चलिए इसे धो लेती हूँ। तो यहाँ पर चिचिंडे को धो ली हूँ फ्रेंड्स। अब इसका टुकड़ा टुकड़ा कट कर लेना है, और इसके बीच में जो बीज है सॉफ्ट है तो उसे भी नहीं निकालना है, इसी में रहने देना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं भरवा चिचिंडा आपको नहीं बना के दिखाऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से बना के दिखाती हूँ, और खाने में इतना टेस्टी लगता है कि पूछिए मत। जब आप बनाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि ये इसका टेस्ट कैसा लगा बनाने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से टुकड़ा टुकड़ा कर लेना है, एक को चार टुकड़ा, इस तरीके से एक टुकड़े को चार टुकड़ा में कर ली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे सब्जी को इसी तरीके से कट करके तैयार कर लेती हूँ। तो इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा छोटा भी मत कीजिएगा। तो सारे सब्जी हमारे कट के यहाँ पर तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब चढ़ा ली हूँ कढ़ाई में पानी को गर्म होने के लिए। पानी हमारा अच्छा से गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ एक चुटकी के करीब हल्दी का पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक आधा चम्मच। अब इसमें डाल दूंगी सारे कटे हुए चिचिंडा को, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। तो इसे गर्म पानी में 5 मिनट तक उबाल के बनाइएगा तो ही बहुत अच्छा लगेगा खाने में, और सॉफ्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो चलिए अब इसमें ढक्कन लगा के 5 मिनट तक इसे उबलने दूंगी। गैस के आँच को अभी तेज़ रखना है, और मात्र 5 मिनट ही इसे पानी में पड़ा रहने देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है चिचिंडा को उबालते हुए। अब इसे छान के ले लेती हूँ, पानी से निकाल लेती हूँ सारी सब्जी को। बहुत ज़्यादा गला भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा ये कड़ा भी नहीं है। इसमें जो एक फ्लेवर होता है ना, वो इस तरीके से उबालने से निकल जाता है। तो चलिए सारे को पानी से बाहर निकाल लेती हूँ। इस तरीके से कोई भी छन्नी में आप डाल लीजिएगा, जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी अंदर में है वो अच्छे से छन के निकल जाए। तो फ्रेंड्स, चढ़ा ली हूँ कढ़ाई को चूल्हे पर, और इसमें डाल दी हूँ 2 चम्मच के करीब तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। तो तेल हमारा यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल दूंगी सारे चिचिंडे के टुकड़े को, और इसे अच्छे से 5 मिनट तक भूनना है, जब तक कि ये भुन भी जाए और हल्का हल्का सा एक दो टुकड़ा पर लाल लाल सा दाग ना पड़ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे सब्जी को अच्छे से भून लेती हूँ। इसे ढकना नहीं है, बस लगातार चलाते हुए तेज़ आंच पर भूनना है। तो देखिए, सब्जी हमारा भुन चुका है, और भुनने के बाद कुछ इस तरीके का हुआ है। अब इसे निकाल लेना है दूसरे बर्तन में। तो चलिए इसे निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, तो फ्रेंड्स एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और खाने में जिन्हें नहीं भी पसंद है वो भी बहुत चाव से खाएंगे। सारी सब्जी को निकाल ली हूँ, और वापस से कढ़ाई में डाल दे रही हूँ थोड़ा सा तेल, और इसमें तेल बच ही जाता है, थोड़ा सा और तेल डाल दीजिए, और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। इतना आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि चिचिंडा भुनने के बाद कढ़ाई ठंडा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें डाली हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा, और जीरा अच्छे से हो चुका है। अब मैं इसमें 2 बड़े साइज के प्याज को बारीक कट करके डाल दे रही हूँ। इसके साथ प्याज अच्छा लगता है, तो आप चाहें तो 2-3 भी डाल सकते हैं।
और इसी प्याज के साथ डाल देती हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन। आप लहसुन अदरक का पेस्ट का भी इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कट करके डालने से ये होता है ना कि जब आप सब्जी खा रहे हों और कभी कभी आपको लहसुन का फ्लेवर मिले, प्याज का फ्लेवर मिले, अदरक का फ्लेवर मिले, तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। तो इसमें डाल दी हूँ 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक को ग्रेट करके कद्दूकस करके, और सारे को अच्छे से भुनना है जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा प्याज का कलर चेंज हो चुका है। इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, गुलाबी गुलाबी सा हो जाए बस इतना ही भूनना है। अब इसमें डाल देती हूँ कुछ सूखा मसाला। इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, मिर्ची आप अपने पसंद से डालिएगा जैसा खाना पसंद करते हैं, और 1 चम्मच धनिया जीरा का पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ में ही डाल देती हूँ 1 बड़े साइज का टमाटर को बारीक कट करके, क्योंकि सूखा मसाला है फ्रेंड, तो उसके साथ ही टमाटर डाल के भूनूंगी, तो इससे क्या होगा टमाटर का जो पानी है उसके साथ मसाला बहुत अच्छे से भून के तैयार हो जाएगा और मसाला जलेगा भी नहीं। अब इसमें डाल दी हूँ 1/2 चम्मच नमक। नमक सब्जी के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपका सब्जी है जितना स्वाद उसमें आ जाए नमक का उतना आप नमक डाल लीजिएगा। तो अभी ही नमक डाल देना है क्योंकि इससे क्या होगा टमाटर भी हमारा अच्छे से गलते जाएगा और मसाला जलेगा भी नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा, आपके पास नहीं है तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। नींबू का रस जब डालना हो तो फ्रेंड, जब सब्जी सारा बनके तैयार हो जाए उसके बाद आप नींबू का रस डालिएगा, इससे नींबू में कड़वापन नहीं आएगा पकने के बाद। अब इसमें डाल देती हूँ सारे भुने हुए चिचिंडे को, क्योंकि मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, टमाटर भी गल चुका है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले के साथ। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगा होगा रेसिपी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो अच्छे से इसे मिक्स कर दी हूँ। अब इसमें ढक्कन लगा के 2 मिनट तक पका लेना है। देखना है यदि सब्जी अच्छे से सॉफ्ट नहीं होगा तब बाद में इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाल के आप अच्छे से सॉफ्ट कर सकते हैं सब्जी को। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे एक बार चेक करके देख लेती हूँ कि सब्जी हमारा अच्छे से पका है या नहीं पका है। अब इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच के करीब पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि सूखा सब्जी ही बना के तैयार करना है, और गैस के आंच को एकदम कम करके अभी रखी हूँ। और इसमें डाल दे रही हूँ 1 चुटकी के 2 चुटकी के करीब कसूरी मेथी को बारीक अच्छे से मसल के, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें ढक्कन लगा के 5 मिनट तक इसे और पकाना है, जिससे कि हमारे सारे सब्जी जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और कसूरी मेथी का भी फ्लेवर सारे मसाले में मिक्स होकर सब्जी में अच्छे से समा जाए, जिससे कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुका है, अब इसे अच्छे से देख लिया जाए। तो देखिए सब्जी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और बनके भी तैयार है हमारे चिचिंडे की मसालेदार सूखी सब्जी। अभी गैस को बंद करके और इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है आपको देखने में, तो आप इसे ज़रूर बना के इस तरीके से खाइए। अभी तक आपने इसका भरवा ही बना के खाया होगा, लेकिन इस तरीके से एकदम सिंपल तरीका है, खाने में मस्त लगता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बनके तैयार है हमारे चिचिंडे की सब्जी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।